के पहले लेक्चर में हम सिम्टम्स राइस के सिम्टम्स की बात कर रहे थे, तो इसमें लीव्स, नोड्स, रैशेस और ग्लूम्स पे अपीयर होते हैं, और ऑन द लीव्स द लेशन अपीयर एज स्मॉल ब्लूइश ग्रीन फ्लेक्स व्हिच इनलार्ज अंडर मॉइस्ट वेदर टू फॉर्म द कैरेक्टरिस्टिक स्पिंडल शेप्ड स्पॉट्स विद ग्रे सेंटर एंड डार्क ब्राउन मार्जिन। यानी कि सेंटर पे इसके स्पॉट्स हो जाते हैं ग्रे ग्रे कलर के, और जो मार्जिन है वो डार्क ब्राउन कलर की अपीयर होती है। द अफेक्टेड नोड्स में बी ब्रेकअप एंड ऑल द प्लांट्स पार्ट अबव द इन्फेक्टेड नोड्स में डाई, जिसे हम नोडल ब्लास्ट भी कहते हैं। द फंगस अटैक द पेडंकल ड्यूरिंग फ्लावर एंड द लेशन टर्न्स टू ब्राउनिश ब्लैक व्हिच इज रेफर टू एज रोटन नेक, नेक रोट और पेनिकल ब्लास्ट, जिसे हम नेक ब्लास्ट बोलते हैं। यानी कि जो पूरा फ्लावर का जो फॉर्मेशन है वो टोटली डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसमें इसकी फेवरेबल कंडीशन बताई गई है। कैजुअल जो ऑर्गेनिज्म है माइसीलियम, इसका हाईली नेट टू ऑलिवेशियस एंड सेप्टेट है। कॉनिडा जो है वो प्रोड्यूस इन क्लस्टर्स ऑन लॉन्ग सेप्टेट, ऑलिवेशियस कॉनिडियोफोर्स जिसे बोलते हैं। इसकी फेवरेबल कंडीशंस हैं इंटरमिटेंट ड्रिजल्स, क्लाउडी वेदर, मोर ऑफ रेनी डेज, लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ ड्यू, हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी, लो नाइट टेम्परेचर बिटवीन 15 to 20 डिग्री सेल्सियस, अवेलेबिलिटी ऑफ कोलेटरल होस्ट एंड एक्सेस डोज ऑफ नाइट्रोजन। इसमें उसके बाद इसके कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, ग्रो रेजिस्टेंस टू मॉडरेटली रेजिस्टेंट वेराइटी CO47, IR20, AD36। तो ये कुछ एग्जाम्पल आपके दी गई हैं। उसके बाद आपके कई जो राइस की इसमें वेराइटीज हैं, इसके अलग अलग डिजीज का अलग अलग इसमें ऑर्गेनिज्म है जो कि कॉज करता है, कहीं ज्यादातर इसमें फंगस ही है। उसके बाद आपकी जो नेक्स्ट इसमें आती है, जो नेक्स्ट आपकी क्रॉप है वो है ग्राउंडनट। इसमें सिम्टम्स इसके हैं लीव्स आर द साइट ऑफ अक्रंस ऑफ डिजीज विद इट्स अबव ग्राउंड पार्ट्स, ग्राउंड के ऊपर जो भी हमारा जो लीफ पार्ट है वो सारा इसमें अफेक्टेड होता है। कैजुअल ऑर्गेनिज्म है सी एरेकिडिकोला। व्हेन होस्ट सेल्स डाई द पैथोजन इज इंट्रासेलुलर एंड डू नॉट प्रोड्यूस होस्टोरिया एंड बिकम इंट्रासेलुलर। द फंगस प्रोड्यूसेस अबंडेंट स्पोरुलेशन ऑन द अपर सरफेस ऑफ द लीव्स। कोनिडियोफोर्स आर ऑलिवेशियस ब्राउन और येलोइश ब्राउन इन कलर, शॉर्ट वन और टू सेप्टेट, अनब्रांच एंड जेनिक्यूलेट एंड राइज इन क्लस्टर्स। तो ये कुछ उसके क्या है, उसके करेक्टरिस्टिक्स बताए गए हैं। उसके बाद फेवरेबल कंडीशंस हैं हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी फॉर 3 डेज एंड लो टेम्परेचर यानी कि 20 डिग्री सेल्सियस विद ड्यू ऑन लीव सरफेस। यानी कि जो ओस की बूंदे हैं लीव सरफेस पे वो एक बहुत ही बड़ा फैक्टर साबित होती हैं इस ऑर्गेनिज्म को ग्रो होने के लिए। हैवी डोजेस ऑफ नाइट्रोजन एंड फॉस्फरस फर्टिलाइजर एंड डेफिशिएंसी ऑफ मैग्नीशियम इन सॉइल। डिजीज साइकिल इन सॉइल, कोनिडा डोरमेंट माइसीलियम एंड पेरिथिका मेड पैथोजन टू सर्वाइव इन सॉइल। द वॉलंटियर ग्राउंडनट प्लांट्स आल्सो हार्बर द पैथोजन। द प्राइमरी इन्फेक्शन इज बाय एस्कोस्पोर्स और कोनिडिया फ्रॉम इन्फेक्टेड प्लांट डेब्रिज और इन्फेक्टेड सीड्स। द सेकेंडरी स्प्रेड इज बाय विंड ब्लोन कोनिडिया, रेन स्प्लैश आल्सो हेल्प इन स्प्रेड ऑफ कोनिडा। कंट्रोल मैनेजमेंट इसका है इन्फेक्टेड प्लांट डेब्रिज शुड बी रिमूव्ड और डिस्ट्रॉय, या फिर कीप वीड्स अंडर कंट्रोल एंड ट्रीट द सीड्स विद कैरबेनडाजिम और थीरम एट 2 ग्राम पर केजी, स्प्रे कार्बेनडाजिम 500 ग्राम और मैनकोजेब 2 किलोग्राम और क्लोरोथेलिनिन 2 किलोग्राम पर हेक्टेयर अगर जरूरी हो, और इसको हमें हर 15 डेज के बाद रिपीट करना है। इसमें आपके इसमें भी कई वैरायटीज बताई गई हैं। उसके बाद आपका आता है कॉटन का। इसमें एट ऑल स्टेजेस द डिजीज अफेक्ट्स द क्रॉप, द अर्लीस्ट सिम्टम्स अपीयर ऑन सीडलिंग इन द कॉटिलीडन विच टर्न येलो एंड देन ब्राउन। तो जो कॉटिलीडन का फॉर्मेशन होता है उसी वक्त ये येलो से ब्राउन होना शुरू हो जाता है।
कैजुअल ऑर्गेनिज्म में जो मैक्रोकोनिडिया है वो 1 to 5 सेप्टेट में पाए जाते हैं, हाइलिन होते हैं, थिन वॉल्ड होती है, फैल्केट विद टैपरिंग एंड्स होते हैं। माइक्रोकोनिडिया आर हाइलिन, थिन वॉल्ड, स्फेरिकल और इलेप्टिकल, सिंगल और टू सेल्ड। उसके बाद इसकी फेवरेबल कंडीशंस जो है वो सॉइल का टेम्परेचर है वो 20 to 30 डिग्री सेल्सियस रहना चाहिए, हॉट एंड ड्राई पीरियड्स बाय रेन्स, हैवी ब्लैक सॉइल्स विद अल्कलाइन रिएक्शन, इंक्रीज डोजेज ऑफ नाइट्रोजन एंड फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर बाउंड कॉज्ड बाय निमेटोड एंड ग्रब्स ऑफ एश वीविल। उसके बाद डिजीज साइकिल, फॉर मेनी इयर्स द फंगस कैन सर्वाइव इन सॉइल एज सेप्रोफाइट एंड क्लेमाइडोस्पोर्स एक्ट एज रेस्टिंग स्पोर्स। देन इसका कंट्रोल मैनेजमेंट है, ट्रीट द एसिड डिलेनेटेड सीड्स विद कार्बोक्सिन और कार्बेंडाजिन 2 ग्राम पर किलोग्राम। इसमें भी आपके अलग अलग स्पीशीज जो हैं फंगस की उसके हिसाब से आपको दिए गए हैं, तो आप कोई भी 2 एग्जाम्पल जो हैं वो हर क्रॉप के इसमें याद कर सकते हैं। लीफ कर्ल है, इसमें बहुत सारे फाइटोप्लाज्मा बताए गए हैं आपके, कॉटन लीफ कर्ल, वायरस बताया गया है। देन फर्दर हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कुछ और इम्पोर्टेंट क्रॉप्स जो कि आपके शायद ब्लैक ग्राम है और एक एक दो और आपके जो कोर्स में है।